हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल वर्क। और मैं आज इसमें आपको बताऊंगा बैंडसॉ मशीन के बारे में। तो ये एक बैंडसॉ मेटल कटिंग मशीन है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आप पाइप, स्क्वायर बार, हॉलो सेक्शन कुछ भी कटिंग कर सकते हैं आसानी से। तो ये इसका पैनल बोर्ड है जिसके जरिए हम इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये है इसका हाइड्रोलिक कंट्रोलर जिसके उपयोग से आप हाइड्रोलिक ऊपर या नीचे कर सकते हैं जितनी मर्जी उतनी स्पीड से। और ये है स्विच इसका, और ये है मेन स्विच, और ये है आपका इंडिकेटर, और यहाँ से आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हाइड्रोलिक को ऊपर या नीचे करने के लिए है, और ये यहाँ पे इमरजेंसी रेड वाला इमरजेंसी बटन है। तो चलिए मैं आपको पाइप कटिंग करके बताता हूँ। तो यहाँ मैंने चालू किया, ऑन किया और इसको भी ऑन किया, फिर यहाँ पे इंडिकेटर चेक किया, इंडिकेटर, और ये हाइड्रोलिक ऊपर या नीचे करने के लिए स्विच है जिसे मैं अभी ऊपर उठा रहा हूँ। ऊपर उठाने के लिए दोस्तों आपको स्पीड में कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। पाइप कटिंग करने के लिए हम स्पीड एक या दो पे रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप उससे ज़्यादा का स्पीड रखेंगे तो आपका ब्लेड टूटने का चांस रहता है। हाइड्रोलिक अगर पाइप से ज़्यादा ऊपर है तो आप उसके लिए स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक आपका तेज़ी से नीचे आएगा। उसके बाद जब आप पाइप टच हो जाए तो आप स्पीड कम कर दें। आप या 1.5 या 2 पे रख सकते हैं कटिंग के लिए। ये मैंने 2 पे रख दिया। आप इस स्पीड से पाइप या कोई भी मेटल कटिंग कर सकते हैं आसानी से। और ये है इसका वाइस का हैंडल जिसकी वजह से हम वाइस को टाइट करते हैं, लूज़ करते हैं। अभी मैंने वाइस को लूज़ किया है और इसको पीछे खींचा। पीछे खींचने के बाद मैंने पाइप को एडजस्ट किया, मतलब जितना आपको कटिंग करना उतना एडजस्ट करने के बाद अब वाइस को टच करें। वाइस को टच करने के बाद अब यहाँ हैंडल से टाइट कर दें। चलिए मैं आपको पाइप कटिंग करके दिखाता हूँ। ये मैंने हाइड्रोलिक को पाइप से टच किया और स्टॉप कर दिया। उसके बाद मैंने स्पीड कम करना है, ये मैं स्पीड कम किया। मुझे 2 या 1.5 पे रखना है सेफ कटिंग के लिए, ताकि आपका ब्लेड भी बचा रहे, टूटने का डर ना रहे। उसके बाद दोस्तों आपको कूलेंट का भी ध्यान रखना है। ये कूलेंट है, मतलब पानी के साथ हम कूलेंट डालते हैं, ऑयल, कटिंग ऑयल। ये इसका 3 स्विच है ताकि ब्लेड गर्म ना हो कटिंग करने के टाइम। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये मैंने स्टार्ट कर दिया और पाइप कटिंग चालू हो गई है। किसी भी टाइम आप बंद करने के लिए इमरजेंसी स्विच प्रेस कर सकते हैं बंद करने के लिए।
अगर आपको इमरजेंसी में बंद करना है तो आप इसको इसे प्रेस करें और ये इमरजेंसी में बंद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।